नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया कि हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कोप ऑफ वेटनरी साइंस, यानी कि भारत में क्या क्या गुंजाइश है वेटनरी फार्मासिस्ट या वेटनरी डिप्लोमा की। जो भी किसान भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, कोई वेटनरी का स्टूडेंट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे भारत देश में काफ़ी ज़्यादा पशु पक्षी पाए जाते हैं, और दोस्तों एक जो वेटनरी डॉक्टर होता है या वेटनरी फार्मासिस्ट होता है वो पशुओं की देखभाल करता है, उनका इलाज करता है, उनकी सर्जरी, ऑपरेशन, इंजेक्शन वगैरह लगाता है, यानी कि पशुओं की देखभाल करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर दोस्तों एक वीडियो बनाई है मैंने कि आप वेटनरी डॉक्टर किस तरीके से लग सकते हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या आपको सैलरी मिलेगी, कौन कौन से डिप्लोमाज हैं और कौन कौन से कॉलेजेस से आप कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं स्कोप की, कि गुंजाइश कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनका आ जाने से जो है हमारे जो बैल हैं, जैसे ट्रैक्टर आ गया है, तो जब हम खेतों की जो है जुताई करते हैं तो आजकल ट्रैक्टरों से करते हैं, तो इससे भी पशुपालन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो दोस्तों पशु पक्षी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जितने भी जो है हमारे भारत देश में बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं या फिर लोगों ने पशु पाले हैं, तो उनके मुकाबले वेटनरी फार्मासिस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अभी जो वेटनरी के जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारे भारत देश में। तो इसलिए अगर आप वेटनरी में इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो कैसे आप जा सकते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। दोस्तों जो जानवर होता है, कहीं इंसानों ने ही शौक़ रखा है जानवरों को पालने का, तो कहीं ये जो है हमारे पालतू जानवर हैं, इनको कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, तो कई जगह पर ऐसी भी हैं जहाँ पर वेटनरी के जो हॉस्पिटल तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोगों के पास पशु है। दोस्तों भारत में ऐसी काफ़ी जगहें मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि क्या 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 स्कोप है भारत में वेटनरी फार्मासिस्ट की, तो भारत में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है वेटनरी फार्मासिस्ट की। इस फील्ड में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।